मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखिए ये खबर। बदनावर विधानसभा को लेकर हम इस समय आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। यहां के कांग्रेस के गद्दावर नेता कमल सिंह पटेल को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी पुष्टि उनके पुत्र भगत सिंह पटेल ने की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़कर जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया है। वहीं इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, जो इस प्रकार से है। इनका पूरा परिवार कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। सन 1987 में कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष व अध्यक्ष बने। बड़े भाई मदन सिंह पटेल कानवन के सरपंच रहे तथा सहकारी समिति का अध्यक्ष भी 15 साल तक रहे। सन 1998-99 में जिला पंचायत सदस्य धार का चुनाव लड़े, पर कांग्रेस पार्टी के ही 3 बागी के मैदान में उतरने की वजह से हारे। सन 2005 में एक आदिवासी महिला को सरपंच बनाया। तब से ही यहां पर अभी तक कांग्रेस का ही दबदबा है। सन 2005 में जनपद पंचायत सदस्य बदनावर का चुनाव जीते और अध्यक्ष में एक वोट निरस्त होने से गोली डलने से हारे। ग्राम पंचायत में सोसाइटी चुनाव जीते। समाज में अच्छा दबदबा माना जाता है। बदनावर से डॉक्टर गोपाल सिंह सोलंकी, कन्हैयालाल धाकड़ के साथ विक्रम सिंह चावड़ा की विशेष रिपोर्ट। भैया किसी बोलेगी आपने क्या है पुराना? पहले तो समय करता भाइयों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और पेश काम पेश जो है इमीडिएट बुलाने का कारण ये रहा कि आज सुबह से ही मुंजी भाई, बाला बच्चन जी, मिंखेड़ा महाराज, हम सब मनोज गौतम, हम सब बैठ करके पूरे चुनाव की रणनीति बनाई गई। लेबड़ा मेरे निवासकारी और जब एक सूचना के लिए आदेश मिला कि कमल पाटीदार कमल पटेल जी बदनावर दोहदों के अधिगत उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, कि सूचना देने भर के लिए आप लोगों की भेज दी गई है, तो मैं आप लोग सूचित करता हूँ कमल पटेल जी विधानसभा बदनावर दोहदों के अधिगत प्रत्याशी हो चुके हैं। क्यों बदला गया उनका कारण क्या रहा, क्यों बदला गया कारण अचानक से? ये कारण तो मैं नहीं बता सकता, ये कारण जो हमारा हाईकमान है वो बता सकते हैं। मुझे उन्होंने अधिगत किया है कि आप सूचना सारे पत्रकार बंधुओं को दे दीजिए, कमल पटेल जो है लोग के बदनाव के प्रत्याशी घोषित किए। मुझे दिल्ली और भोपाल से निर्देश मिला है, उसका मैं पालन। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमल सिंह पटेल को कितना ताकतवर और मजबूत प्रत्याशी मानते हैं आप? कमल पटेल कितने मजबूत है कितने नहीं, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि पूरा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के विधायक हैं, हमारे जिले के पूर्व सांसद हैं और जो भी संगठन के लोग हैं, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हम उसी आधार पर कमल पटेल को जिता कर लिया है। टिकट बदलने से कांग्रेस को नुकसान होगा? जो अधिगत प्रत्याशी पहले घोषित किए गए थे टिंकू बना, वो पूर्ण रूपे कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे और पूरी ताकत से वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने एक पत्र भी लिख करके अपनी मंशा जाहिर की है। और कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के, निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, निश्चित तौर पर वो पार्टी के साथ रहेंगे। क्या लगता है पहले पार्टी ने टिकट देने में जल्दबाजी की थी? हो, लेकिन इतना मुझे सोचना के आदेश मिले हैं कि आप सूचित कर दीजिए कमल सिंह पटेल जी का टिकट बदनाव और दोहदों से। 16 लोगों की जो मांग हो रही थी उसमें से ही उनको कैसे संतुष्ट करेंगे आप, क्योंकि वहाँ पर जो टिकट बदला गया है, फिर टिकट दिया गया है, तो बाकी जो नाराज चल रहे हैं उनको कैसे आप संतुष्ट करेंगे? पार्टी जो भी नाराज होंगे उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मेरे ख्याल से कोई भी नाराज नहीं है, सब के सब कांग्रेस के कर्मठ सिपाही, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे, ऐसा हमें पूरा।